इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले यहां समझें कि टू कस्टमर आर विजिटिंग टू अ पार्टिकुलर शॉप इन सेम वीक। एक कोई भी वीक है, उस वीक में दो कस्टमर एक शॉप पे विजिट करते हैं। इच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप, मतलब इक्वली लाइकली का मतलब समझो क्या होता है। इच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि एक आदमी जा रहा है दूसरा आदमी नहीं भी जा सकता है, दूसरा आदमी आ सकता है उसी डे या उसी डे नहीं भी आ सकता है। समझ रहे बात को? मतलब ऐसा कोई नहीं है कि दूसरा आदमी नहीं आएगा। ऐसे इक्वली लाइकली का कहानी एक और दूसरे एग्जांपल से समझो। जैसे कि एक दो डाइस को उड़ा रहे हो तो दोनों इक्वली लाइकली आने का संभावना रखते हैं, उस पर भी हेड टेल आएगा, इस पर भी हेड टेल आएगा। लेकिन अगर दोनों क्वाइन के दोनों तरफ हेड बना दें, दोनों तरफ हेड बना दें, एक क्वाइन पे हेड टेल दोनों रख दें, तो क्या दोनों के आने के चांसेस इक्वली लाइकली हैं? तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि इक्वली लाइकली का मतलब किसी का प्रोबेबिलिटी आने का चांस ज़्यादा नहीं है उसके रेस्पेक्ट में, उसके अकर करने का चांस ज़्यादा ना है, ज़्यादा नहीं है। समझ में आया? तो दोनों का दोनों जो शॉप पे जाएंगे मंडे टू मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, है ना, फिर वेडनेसडे हो गया, फिर थर्सडे हो गया, फिर फ्राइडे हो गया और फिर सैटरडे हुआ, छः दिन हुआ, है ना, क्योंकि संडे को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मंडे के बाद लगातार अगर हम जाएं तो सैटरडे के बाद संडे आता है। फिर कह रहे इस इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप वन एनी वन डे, किसी डे पे एज ऑन अनदर, माने एक साथ वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ विल बी द विजिट द शॉप, मतलब एक साथ वो विजिट करें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों का दोनों एक ही बार चले जाएंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अब एक बात बताओ, होगा क्या? मंडे को वो भी जाए, मंडे को वो भी जाए, ये हो सकता है एक केस? बोलो। दूसरा केस हो सकता है कि ट्यूसडे को दोनों मिल जाए। तीसरा केस होता है, हो सकता है कि वेडनेसडे को दोनों का दोनों मिल जाए, थर्सडे को दोनों का दोनों मिल जाए, फ्राइडे को दोनों का दोनों मिल जाए और सैटरडे को दोनों का दोनों मिल जाए। क्या दोनों का मिलने का चांस किसी पार्टिकुलर डेज में, तो ऐसे ही हो सकता है ना? लेकिन जरा सोचो कि क्या ऐसा ही होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक मंडे को आया दूसरा ट्यूसडे को आ जाए तो मिले ही नहीं। ये भी हो सकता है कि मंडे को आए दूसरा सैटरडे को आ जाए तो मिले ही नहीं। तो सैंपल स्पेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सैंपल स्पेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताओ। तो कहानी क्या है, सैंपल स्पेस कितना होगा? सैंपल स्पेस कितना होगा? 36। कैसे? सैंपल स्पेस 36 होगा कि नहीं होगा पहले ये कंफर्म करो। मंडे अगला आ जाए, मंडे को ही, ऐसा हो सकता है ना? दो वीक है, ऐसा मान लो कि दो डाइस है तुम्हारे पास और दो डाइस है तुम्हारे पास और सब पे एक पे मंडे, इस पे भी मंडे, समझ रहे हो? मंडे ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक इस पे लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है, तो ऐसा ही तो हो रहा है। दोनों मंडे मंडे में एक बार आ जाए डाइस पे, दोनों ट्यूसडे ट्यूसडे आ जाए डाइस पे, या मंडे एक पे आए दूसरे पे ट्यूसडे आए, तो क्या टोटल जो सैंपल स्पेस है कुछ ऐसा ही होगा ना? 36। यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6/36।
क्यों 6/36? क्योंकि सेम डे का मिलन है, तो मंडे मंडे भी आएगा तो भी काम बन जाएगा, ट्यूजडे ट्यूजडे आए तो भी काम बन जाएगा, वेडनेसडे वेडनेसडे आए तो भी, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई केस नहीं बच जाता है जो सेम डे का मिलन हो पाए और अदर डेज का मिलन है। कोई दिक्कत है? क्या आंसर दिया है 1/6? समझ में आया क्या? चलिए और कोई क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो बाबू? थर्टी सिक्स ऐसे हो रहा है कि पहला व्यक्ति मंडे को आए, दूसरा व्यक्ति भी मंडे को आ जाए, पहला व्यक्ति मंडे को आए, दूसरा व्यक्ति ट्यूसडे को आ जाए, पहला व्यक्ति मंडे को आए, दूसरा व्यक्ति वेडनेसडे को आ जाए, पहला व्यक्ति मंडे को आए, दूसरा व्यक्ति थर्सडे को आ जाए, पहला व्यक्ति मंडे को आए, दूसरा व्यक्ति फ्राइडे को आ जाए, पहला व्यक्ति मंडे को आए, दूसरा सैटरडे को आ जाए। ये हो सकता है बोलो, या ये भी हो सकता है कि पहला व्यक्ति मंडे को ना आके बल्कि ट्यूसडे को आए और पहला मंडे को आ जाए। ये भी हो सकता है पहला ट्यूसडे को आए, दूसरा भी ट्यूसडे को आए, पहला ट्यूसडे को आए, दूसरा वेडनेसडे को आए, पहला ट्यूसडे आए फिर थर्सडे को आए, पहला ट्यूसडे को आए और दूसरा फ्राइडे को आए, ट्यूसडे सैटरडे। आ रहा समझ में? फिर पहला वेडनेसडे, फिर मंडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे थर्सडे, फिर वेडनेसडे फ्राइडे, फिर वेडनेसडे सैटरडे, फिर आपका हो गया कितना, थर्सडे मंडे थर्सडे, फिर क्या होगा बोलो, ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे थर्सडे सॉरी थर्सडे थर्सडे भूल गए, थर्सडे 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 फ्राइडे, फिर थर्सडे और सैटरडे। उसी तरह से क्या होगा अब, फ्राइडे मंडे से लेके कहाँ तक, फ्राइडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे तक। फिर उसी तरह से क्या होगा, सैटरडे मंडे से लेके शुरुआत होके सैटरडे सैटरडे तक। सही है जी? तो तुम्हें समझ में आया कि 36 कहाँ से आ रहा था? उसमें बोला गया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन, मतलब सेम डेज को विजिट करें दोनों का दोनों, यही है ना, दोनों का दोनों शॉप पर हो सेम डेज, दोनों का दोनों शॉप पे हो, इसका मतलब सेम डे का ही ना बात हो रहा है। अदर डे पे दोनों का दोनों सेम कैसे हो सकता है, दोनों एक साथ, एक दिन मंडे पड़ेगा तो दूसरे उसी दिन ट्यूसडे भी पड़ जाएगा। तो या तो ये केस होगा, या तो ये केस होगा दोनों ट्यूसडे ट्यूसडे आए, या वेडनेसडे वेडनेसडे, या थर्सडे थर्सडे, या फ्राइडे फ्राइडे, या सैटरडे सैटरडे। तो 6/36 तुमको यही कहानी बता रहे थे कि डाइस वाला में भी तो यही होता है। तो तुम डाइस को ही मान लो ना, एक आ रहा है तो मंडे, दो आ रहा है तो ट्यूसडे, तीन आ रहा है तो थर्सडे, चार आ रहा है तो फ्राइडे, ऐसे ही सब मान लो एक एक डेज का, सेम लॉजिक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कितना अच्छा, कार्ड वाला बता दें, देख लो ना, इसको मिटा दें। इसमें कौन कौन बच्चा है जो कार्ड खेलता है?
अरे दीपावली आ रहा है, कार्ड तो खेलोगे ना? अब यही चीज़ गड़बड़ है, तुम लोग खेलो, खेलना चाहिए, वो सब चीज़ ज्ञान वर्धक बातें हैं, तभी तो जान पाओगे ना। हाँ नहीं, खेलना भी सीखो, उसमें भी कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब चीज़ सीखो, तभी तो पता चलेगा ना कि ये बुरा चीज़ है ये अच्छा चीज़ है, नहीं तो पता ही नहीं चल पाएगा कि बुरा चीज़ क्या है। अब कितना कार्ड होता है जी टोटल? फिफ्टी टू। टाइप बताओ, टोटल कार्ड तो 52 हो गया। चार प्रकार होता है, कौन कौन? किसी को एक हार्ड होता है, एक क्लब होता है और स्पेड। स्पेलिंग वगैरह मिला लेना, है ना? कितना? SP। स्पेलिंग बताओ फिर से। ADE। चलो स्पेड। तो ये चार प्रकार के कार्ड हुए, एक कार्ड 13 होता है, स्पेड भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, कोई दिक्कत? अब इसमें भी जो फेस कार्ड हैं, फेस कार्ड के बारे में बात करें तो फेस कार्ड जानते हो टोटल कितने होते हैं? 12। चार होते हैं तुम्हारे वो बादशाह जिसको कि किंग बोलते हो, चार होते हैं क्वीन, है ना, और चार होते हैं तुम्हारे क्या, जैक। जोकर को मत समझना कि वो फेस कार्ड होता है, जोकर निकाल के बाहर कर दिया जाता है, तो फेस कार्ड जिसमें चेहरा दिख दिया हो, तो चार राजा, चार रानी और उनके चार दासियां, नहीं समझे? अब जो दासी है उनकी बीवी नहीं है, राजा की बीवी है रानी, और दोनों के एक एक सेवा सत्कार करने वाले लोग, 12 टोटल, 12 फेस कार्ड हुआ। हाँ तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। उसमें भी रेड कार्ड जो होता है जानते हो कितना होता है? रेड कार्ड 26 और ब्लैक कार्ड वो भी 26। देखते होंगे कि लाल पान भी होता है, काला पान भी होता है जी। वही पान किसको बोलते हैं इसमें? हार्ट को तो ये बोलते हैं तुम्हारा, हाँ यही हार्ट है, और क्लब जो है तुम्हारा कुछ ऐसे होता है, ये है ना डायमंड, ये कुछ इस तरह से होता है, और स्पेड जो है तुम्हारा कुछ इस तरह से होता है, तो इसी को बोलते हैं लाल पान। इसमें भी लाल पान जो होता है वो और काला पान दोनों होता है, ठीक है ना? बात समझ गए? तो अगर हम तुमसे पूछें कि अगर 52 कार्ड है तुम्हारे पास और वो 52 कार्ड्स को अच्छी तरह से फेंट दिया गया हो, मतलब ये कोई ऐसे नहीं बोल सकता है कि इसमें कौन कहाँ है, इसमें कौन कहाँ है किसी के बारे में किसी को पता नहीं है, और एक कार्ड कोई निकाले और पूछे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड किंग का हो, तो यहाँ पे पहले सुनो, पहले सुनो, यहाँ पे केस क्या होगा? जब एक कार्ड निकालने जाओगे तो उस समय क्या 52 ताश में सब इक्वली लाइकली हैं कि नहीं आने के? तो
तो टोटल सैंपल स्पेस हो सकता है 52, कोई भी कार्ड खिंचा सकता है। 52 ऑप्शन है तुम्हारे पास, कार्ड बीच में ही से खींचो। आपको पता थोड़ी है कि बीच में कौन था, कार्ड बीच में ही से खींचो, लेकिन आपको पता नहीं कि वो कौन था। वो पहला पेजा था, वो भी चला जा सकता है, और जो दूसरा पे था वो भी वहाँ जा सकता है। तो कितने ऑप्शंस हो रहे हैं, 52। और उसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं तुम्हारे, कि किंग आ जाना। तो किंग अगर आ जाएगी, उस बात की संभावना बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। तो किंग के आने की जो चांसेस है वो कितने, मतलब नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो वो कितनी है, 4 है। 4 में से कोई भी किंग आ जाए, 4 किंग होता है, 4 क्वीन होता है, 4 जैक होता है। तो वो 4 में से कोई भी किंग आ जाए, उसने नहीं बोला कि नहीं वो रेड वाला किंग आना चाहिए। हाँ, रेड वाला किंग बोलता तो क्या होता जी, 2/52 तो होगा ही, ये भी 52 होगा। जब ये कब होगा कि प्रोबेबिलिटी यदि किंग हो रेड का, और ये प्रोबेबिलिटी केवल किंग का। समझ में आया, बोलो। बस ऐसे ही होता है। ये बोले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। आधा, खुद सोचो ना, आधा 52 में से अगर आधा रेड कार्ड है और आधा ब्लैक कार्ड है, तो आधा ऑप्शन है रेड कार्ड आने का, 50% चांस है। ऐसे ही क्लियर है, नहीं? ऐसे ही क्लियर है कि 50% रेड कार्ड आ सकता है, 50% ब्लैक आ सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल है। हाँ, अब अगर उसमें से पूछे कि कार्ड हर्ट का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि कार्ड जो है वो हर्ट का है, बोलिए। 13/52, 1/4। तो साफ क्लियर है कि 13 हिस्सा हर्ट है, 13 हिस्सा क्लब है, 13 हिस्सा डायमंड और 13 हिस्सा स्पेड है। तो हर एक हर्ट, क्लब और डायमंड और स्पेड को आने का 1/4 चांस है, क्योंकि चार ही टाइप का तो ताश है ना, चार ही टाइप का तो गड्डी है। पल्ले पड़ रहा है बात, क्या? अरे भाई, वो जो होता है वो इसी में आता है, एक स्पेड का होता है, एक क्लब का होता है। देखो, एस भी 4 होता है, एस भी 4 होता है, एक हर्ट का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक स्पेड का। उसी तरह किंग भी 4 प्रकार होता है, एक हर्ट का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक स्पेड का। क्वीन भी 4 होता है, एक हर्ट का, क्लब का, डायमंड का, स्पेड का। जैक भी 4 होता है, हर्ट, क्लब, डायमंड। लेकिन इसे फेस कार्ड नहीं कहा जाता है, पता है ना, उस पे चेहरा होता है, इस पे। तो फेस मतलब चेहरा, चेहरा वाला कार्ड कौन कौन है, इस पे नहीं होता है। समझ गए बात, बस यही है। और कुछ पूछना है आपको? सर, क्वेश्चन भेजे हैं। अच्छा, टाइप करके भेजे हो? यस। देखते हैं, बोर्ड नहीं दिखाई देगा जब तक हम क्वेश्चन देखेंगे, इसीलिए हल्ला ना करना। अब व्हाट इज एस, ये जो लिखते हो ना, वो हमको पता नहीं चल पाएगा, इसलिए मुंह से बोल दिया करो, क्योंकि मैसेज देखने के बाद वो खुलता है, एक साथ दोनों नहीं खुल पाता है। क्या सही है जी, कि दोनों एक साथ खुल जाता है, वीडियोस भी और मैसेज भी? नहीं खुलता। चलो ठीक है, हाँ, न्यू अपडेट के बाद नहीं खुलता है। अब सोचो कि अपडेट होने पर और अच्छा होना चाहिए और बुरा हो जाता है, बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है कि सपोज यू आर ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इतना एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इतना। चलो ये क्वेश्चन लिख देते हैं,
सपोज, अरे यार, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन What is the probability that it will? What is the probability that it will be land inside the circle? Circle. Of diameter one meter length of rectangle breadth of rectangle लेंथ दिया है 3 मीटर 2 मीटर अब दिखाई दे रहा है ना देखो क्या कह रहा है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है तुम्हारे पास ए बी सी डी इसमें तुम क्या कर रहे हो एक डाई को एक रेंडमली तुम ड्रॉप कर रहे हो फेंक रहे हो इसका डायमीटर मतलब डायमेंशन कितना है तो लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1 मीटर लेंथ ऑफ रेक्ट है ना अब इसके बीच में एक क्या है तुम्हारे पास 1 मीटर का डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा 1/2 मीटर अब तुम यहां पे खड़े होके तुम क्या कर रहे हो एक डाइस को तुम इसमें फेंक रहे हो एक डाई को तुम फेंक कर रहे हो क्या इस तरह का क्वेश्चन हम बताए थे आपको याद कीजिए पहला ही क्लास में बता दिए थे अरे भाई जब गेंद फेंकने जा रहा है तो ये कहीं भी गिर सकता है रेक्टेंगल में गिर सकता है कि नहीं तो उसका फेवरेबल आउटकम कब होगा जब वो इसमें फेंक दे सर्कल में फेंक दे तो जो प्रोबेबिलिटी पूछा है कि इट विल बी तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा एरिया ऑफ रीजन क्या एरिया ऑफ रीजन ऑफ सर्कल और नीचे वो सर्कल में भी गिर सकता है रेक्टेंगल में भी गिर सकता है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ऊपर वाला का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर तो पाई इंटू 1/2 स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी तो 3 × 2 तो ये कितना आ गया पाई अपॉन 3 × 6 = 24 आया समझ में बोलो और कोई क्वेश्चन है डाउट सर,
व्हाट्सएप पे मत भेजो, चाहे रुको तब देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पेनिंग एरो विच इज इक्वली लाइकली टू कम टू रेस्ट पॉइंटिंग टू वन ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3 ...... 12 एज सॉन इन फिगर। तो फिगर बना देते हैं, एक फिगर है, ठीक है, इस पे कितने हैं भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह हो गया, एक पे एक लिखा है, फिर दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, सबके जो लेंथ है ना एरोस के वो बराबर बराबर हैं। और आप गेम खेले होगे, आप जब कभी गए होगे, मेला वेला लगता है आपके यहाँ, तो उसमें गए होगे, तो क्या होगा कि एक इसी तरह का रिंग हुआ करता है और इस पे ये डिजिट्स होते हैं, उसको घुमाता है और वो पड़ 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 करके वो रोकता है, और जब वो रुकता है तो किसी पार्टिकुलर जगह पे रुकता है, और उस पे अगर आप पैसे लगाए होते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, एक का चार बोलता है, दस लगाओ चालीस ले जाओ, और नहीं आया तो दस आपको दे देना है। क्या ये गेम खेले हो आप लोग? अरे खेले नहीं हो तो कम से कम वहाँ खड़ा होकर देखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये सब लाइफ रिलेटेड चीज़ होती हैं, और ये लाइफ रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको ऑब्जर्व करनी चाहिए, क्योंकि उससे के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो जब उस चीज़ को देखोगे समझोगे तब तो काम आएगा ना। तो ये बोल रहा है कि एक दो तीन से लेके बारह तक उस पे नंबर लिखा गया है एरो, ठीक है, और स्पिनिंग एरो है, घुमाने वाला एरो है, तो विच इज इक्वली लाइकली टू कम टू रेस्ट पॉइंट, मतलब कि एक जो रेस्ट पॉइंट जहाँ पे रोका जाता है वहाँ पे आने का सबका इक्वली लाइकली चांस है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 12 का रो को बड़ा बना दिए और 9 का रो को छोटा बना दिए तो 12 पे आने का चांस ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। हमने फिगर ऐसा ज़रूर बनाया है, लेकिन वो फिगर में कुछ ऐसा बनाया है कि सबका एकदम बराबर है। तो आप खुद सोच लो कि जब सबके इक्वली लाइकली आने के हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो भैया कितने हुए, 12, कोई भी आ सकता है। अब प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो 6 पे आके रुके, तो 6 पे आके रुके तो 6 एक ही बार ना है, समझ पा रहे हो, 6 दो बार तो है नहीं, तो जब 6 एक ही बार है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/12। दूसरा, ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, दो आ जाए तो भी उसकी चांस है इवन नंबर आने की, 4 आए तो भी, 6 आए तो भी, 8 आए तो भी, 10 आए तो भी, 12 आए तो भी, तो कितने हैं, 6/12, कट के आ जाएगा 1/2, क्योंकि 12 को नंबर है आधा इवन आधा ऑड, तो इवन नंबर का आधा आने का चांस, कौन जीतेगा बताओ, जो प्रोबेबिलिटी इस पे लगाया है, जो 6 पे लगाया है वो जीतेगा कि जो इवन नंबर पे लगाया है वो जीतेगा, जीत कोई भी सकता है, हार कोई भी सकता है, जीतने हारने की चांसेस, जीतने हारने की चीज़ नहीं है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपको बताता है कि जीतने की चांस किसकी ज़्यादा है, उम्मीद किसकी ज़्यादा है, संभावना किसके जीतने की है, जीत कोई भी सकता है, हाँ संभावना है, हम ये बोलेंगे कि कौन जीतेगा तो आप बोलिएगा कि नहीं इवन नंबर वाला जीतेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, एक पे भी आके रुक सकता है, 3 पे भी आके रुक सकता है, 5 पे भी आके रुक सकता है, समझ पा रहे हो बात को, प्रोबेबिलिटी कभी भी जीतने के हारने का कमिटमेंट नहीं करता है, प्रोबेबिलिटी तुम्हारा क्या करता है,
उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है, संभावना बताता है कि उसकी आने की चांस कितनी अधिक है, कितनी ज़्यादा है, कितनी है ये एक्चुअली बताता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरे नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो क्या होगा। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर के आने का। तो इसमें प्राइम नंबर ढूंढो, दो भी प्राइम नंबर होता है, तीन भी, पांच भी, सात भी, ग्यारह भी, कितने हो गए जी? 5/12। वन को प्राइम नंबर में नहीं रखा गया, याद रखना। चौथा नंबर, अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 बताओ, 5 और 10 तो 2 है, तो 2 नंबर ऐसा है जो 5 का मल्टीपल है, 2/12, 1/6। और बताओ पांच नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ 8 बताओ। एक नंबर जो 8 का फैक्टर हो, कौन कौन है? वन टू फोर और एट, और 10 नहीं है, क्योंकि उसमें 5 आ जाता है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 4/12, 1/3। समझ में आया क्या? बोलिए। तो प्रोबेबिलिटी में अब हमको नहीं उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन में डाउट होगा। और भी डाउट है तो पूछ लो। तो कितने चैप्टर्स हम लोग ख़त्म कर दिए जी अभी तक क्लास 10th का, 9th में? हम लोगों ने पहला ख़त्म किया था क्वाड्रेटिक, हम लोगों ने दूसरा ख़त्म किया था पॉलीनोमियल, हम लोगों ने तीसरा ख़त्म किया था क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और चौथा चौथा क्या ख़त्म किए थे हम लोग? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म किए हैं ना? पांचवा, ट्रिगोनोमेट्री, छठवा हाइट एंड डिस्टेंस, और छठवा सातवा प्रोबेबिलिटी। क्या इसके अलावा भी कुछ ख़त्म किए हैं? अब जो हम 9th क्लास में जो थ्योरी दिए थे आपको इस चीज़ का, याद होगा, क्या बोलते हैं उसको जी, मेंसुरेशन वाला शायद है, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा हमको। अरे वो कौन है ना, वॉल्यूम है एंड सरफेस एरिया, वो हमने 10th का भी पढ़ा दिया था, बस क्वेश्चंस 10th का नहीं करवाए थे, थ्योरी कॉन्सेप्ट 9th में ही हो गया था। तो बेसिकली वो भी ख़त्म ही है, हो सकेगा तो अगला में स्टार्ट करके उसको भी ख़त्म कर देंगे। सर, एक क्वेश्चन है,
क्या? क्वेश्चन टाइप किए हो? कह रहा है टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स वन आफ्टर अनदर सो दैट द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर ड्रॉइंग द सेकेंड कार्ड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज एस एंड द सेकेंड इज कार्ड इज क्या लिखा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज एन एस एंड द सेकेंड इज अ नंबर कार्ड. अब एक बात बताओ, यहाँ पे तुम खुद सोचो कि जब पहला कार्ड को तुम निकाल के दूसरे इसमें क्या बोला गया है कि 52 पत्ता के ताश में से आप क्या किए कि 1 बाई 1 दो कार्ड निकाले, लेकिन जब पहला कार्ड निकाले तो वो कार्ड को फिर क्या कर दिए वापस उसमें रिप्लेस कर दिए, फिर एक कार्ड निकाले. तो पहला कार्ड के आने में और दूसरे कार्ड के आने में कोई फर्क पड़ता है? दूसरा कार्ड भी वैसे ही आएगा क्योंकि आप 52 पत्ता में से ही निकाल रहे हो. पहला क्या आया है इसका कोई बात का फर्क पड़ता है? अरे 52 पत्ता का ताश है, उसको अच्छी तरह से फेंट के एक कार्ड निकाले, उसमें बताओ एक का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फोर बाई ट्वेल्व है, सॉरी 4/52. और अगर हम पूछे कि दूसरे बार जब हम कार्ड निकाल रहे हैं तो वो नंबर कार्ड है, नंबर कार्ड है मतलब 16 जो होते हैं वो नंबर कार्ड होते हैं, 16 ठो, 4 क्वीन के हैं, 4 किंग के हैं, 4 जैक के हैं और 4 इक्का के हैं. ये 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 कार्ड पे नंबर होते हैं. क्या तो नंबर नहीं होते हैं? मतलब कि नंबर वाले कार्ड कितने बचे? कितने? अरे 52 में से कितना सबट्रैक्ट करोगे? 16, 36, तो ये हो गया 36/52. क्योंकि अब 51 तास नहीं हुआ है. 51 तास कब होता? जब वो कार्ड को जो निकाल लिया गया था उसको वापस नहीं डाला गया होता. सही है ना? लेकिन अब तो कार्ड पूरे के पूरे हो चुके हैं. अब देखो, अगर दोनों घटना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी यदि निकालने हो पूरे की तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है. ये तुम्हारे इधर का सवाल नहीं है बेटा, क्लास 12th का सवाल तुम पूछे हो. समझ? अरे हाँ, वो तुम क्या समझ रहे हो, हम आजे से पढ़ा रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक का एंड नंबर्ड कार्ड इंटू हो जाता है दोनों का 4/52 इंटू 36/52. अब तुम क्वेश्चन यहाँ पे हमसे करोगे कि क्यों इंटू हो जाता है, तो वो 12th का थ्योरी देना पड़ेगा तुम्हें कि अगर दो घटना इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, एक घटना और दूसरा घटना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, तो दोनों का एक साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी जब निकालनी होती है तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाता है और वो हो जाता है मल्टीप्लाई दोनों का, ये आंसर हो जाता है. अब वो कारण क्यों होता है उसमें अगर समझना है तो वो तुमको 12th में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको समझाने में कम से कम ये 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी है, वो 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी है. अभी बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं प्रोबेबिलिटी के, अभी तुम समुंदर में घुसे नहीं हो. ये कितना से कटेगा? 4 से ही.
तो कितना हो गया 9/169, सही है क्या? Yes, आंसर है, आया है? हाँ yes, इधर का क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू आप लोगों को भी।